लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन साबरी एएन न्यूज से। कांदिवली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक 9 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है और मौत का कारण बिल्डर की लापरवाही बताई जा रही है। ये वही बिल्डर है जिनके ऊपर आज से कुछ महीना पहले इनकी साइट पर एक कुत्ते को करंट लगने से मौत हो गई थी। इनका नाम है रूपारेल बिल्डर और इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है कांदिवली में, ये पूरी तरह से ओपन और पब्लिक में चल रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पब्लिक कोई भी आधी जाधी रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। और यही कारण था कि जो रूपारेल बिल्डर की साइड पर एक पानी का गड्ढा था जो खुला था, जिसमें एक 9 साल का बच्चा खेलने गया, उसे नहीं पता था कि वहाँ उसकी मौत लिखी है। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो के अंदर कि उस बच्चे का जो रिलेटिव जो है, उस बच्चे की बॉडी को उठा के ले जा रहा है। और यह गड्ढा भी आप देख सकते हो कितनी किस तरह से ओपन है। और हमने इससे पहले भी कई बार कोशिश की शासन प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से और पहले भी विषम से कि हम उनको सतर्क कर सके ताकि वो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करे कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत वो काम करे। लेकिन पूरी तरह से बिल्डर की लापरवाही के कारण ये आज आप देख सकते हो कि एक बच्चा मरा है। और ऐसा और भी कई बड़े हादसे हो सकते हैं और हादसे को देखते हुए प्रशासन को अभी भी वक्त है, एक कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए बिल्डर के खिलाफ ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा रोक सके। मुंबई से मैं मोहसिन साबरी, एएन न्यूज़।